अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे 7 बजे कॉल आई है मेरे दोस्त चाइनीज़ मुस्लिम की, और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई है कि जुनेद मुबारक हो, शेंजन में मस्जिद ओपन हो चुकी है आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद आज मस्जिद ओपन हुई है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। वज़ू किया है मैंने और अभी तैयार हो के जा रहा हूँ मस्जिद, और इंशाल्लाह मस्जिद जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि मस्जिद में क्या क्या मुस्लिम चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे जो फूड मिलता है वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को आज दिखाएंगे। मस्जिद भी जाएंगे, मस्जिद भी दिखाएंगे, बाकी भी आप लोगों को शुगल मेला दिखाएंगे जो वहाँ पर होता है। 3 साल के बाद अभी रिसेंटली भी ओपन हुई थी मस्जिद, लेकिन फिर उसको क्लोज कर दिया गया था कोविड की वजह से। सिर्फ एक ही दिन के लिए ओपन हुई थी ये पिछले मंथ आई थिंक। तो अभी दोबारा उसे ओपन कर दिया गया है और इस बार कंप्लीट ओपन किया गया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जाके देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई हैं मस्जिद में। ये मेरे अपार्टमेंट का व्यू है, ये देखें मेरे अपार्टमेंट से ये व्यू है शेंजन सिटी का, अनबिलीवेबल। ये मेरे अपार्टमेंट से व्यू है और ये मैं रूफ टॉप के ऊपर ठहरा हुआ हूँ, और दिखाते हैं आपको। ये सामने पहाड़ों के ऊपर सामने हांगकांग है, ये जो सामने माउंटेन्स हैं इसके पीछे हांगकांग है। चलते हैं सबवे की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं आगे व्यू। के साथ सबवे सिस्टम है, लाइन 6 यहाँ से मैं लाइन 1 में जाऊँगा। तकरीबन कोई 200 फुट मैं ज़मीन के नीचे जाऊँगा या इससे भी ज़्यादा नीचे पाँव रखेंगे, ये खुद ब खुद तेज़ हो जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ कितना नीचे जाना है मैंने, कोई 2000 फुट ज़मीन में नीचे जाना है। चाइना का जो सबवे है वो सबसे बेस्ट है, दुनिया में सबसे बेस्ट सबवे सिस्टम चाइना का है। ये देखें अभी और भी नीचे जाना है मैंने, फिर इससे भी ज़्यादा नीचे मैंने जाना है आगे। तो भाई चाइना का जो सबवे सिस्टम है इसका नो कंपेरिज़न, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो आपको USA, न्यूयॉर्क और लंदन, यूरोप यहाँ पे भी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जो इनका सबवे सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा क्लीन और अमेजिंग है। यहाँ पे एक छोटी सी आंटी ठहरी हुई है, ये बैग यहाँ पे हमने डालना है, ये स्कैन होगा। अभी मैंने क्या करना है, वी चैट से एक ऐप ओपन करना है इनका सबवे का, ये ऑन हो जाएगा भाई, ये इसको दिखाना है। हो जाओ ओपन, ये ओपन हो गया भाई, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट बस सिर दिखाओ और जाओ। अब ये नीचे जा रही है लाइन 6, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इनके सबवे सिस्टम पे, क्योंकि इनका अंडरग्राउंड बहुत सिस्टम है 200 फुट तक नीचे मस्जिद। यहाँ से मैंने लाइन 1 में जाना है, हर तरफ ही ट्रेनें जा रही हैं इनके सब। ये चेक करें, ये हम लाइन 1 में जा रहे हैं भाई। इनका मेट्रो जो सिस्टम है वो इतना बड़ा है कि अगर हमारे पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट इकट्ठे कर लो ना, तब भी इनके एक सबवे के बराबर नहीं है, एक सबवे स्टेशन के बराबर नहीं है। ये चेक करें, एयरपोर्ट से भी बड़े इनके सबवे स्टेशन है। देखें लोगों के बैठने के लिए जगह कितने क्लीन है, ये ट्रेनें आएंगी आप नहीं जा सकते, जब तक ट्रेन नहीं आती आप नहीं जा सकते आउटसाइड, जबकि USA लंदन में आप लोगों को कोई पीछे से धक्का दे दे तो आप गए। यहाँ पे जब तक ट्रेन नहीं आती कुछ भी ओपन नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे ठहरे रहेंगे, जैसे ओपन होगा फिर आप अंदर जाएंगे भाई, ऐसे नहीं जा सकते।
तो ये फैसिलिटी सिर्फ आपको चाइना में देखने को मिलती है। ये ट्रेन के अंदर की एनवायरनमेंट चेक करें, कितना साफ सुथरा माहौल है। ये चेक करें, इतनी सफाई आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगी। ये अब हम भाई लाइन 10 की तरफ जा रहे हैं। इतने बड़े मेट्रो स्टेशन हैं कि आपको यहाँ शॉपिंग मॉल भी देखने को मिलेंगे, आपको भाई यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि दुनिया में कहीं भी आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती। और ये स्टेशन चेक करें, कितने क्लीन हैं और साफ़ हैं। चेक करें इनका आर्किटेक्ट डिज़ाइन, चेक करें जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनबिलीवेबल है। लाइन 10 के लिए फिर हम मज़ीद नीचे जा रहे हैं। ये देखें कितने कितने फुट हम नीचे जा रहे हैं ट्रेन में। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। ना यहाँ पे भाई आपको ऑक्सीजन की तकलीफ होती है, ना आपको किसी और चीज़ का मसला है। आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट मिलती है, ठंडी हवाएं भी लग रही होती हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ चाइना में भाई, ये आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखें लाइन 10 अभी मैं आ रहा हूँ। 2000-3000 फुट ज़मीन के नीचे भाई ट्रेन है। 532 किलोमीटर का इनका सबवे है सिर्फ शेंजन सिटी का। ये वाली ट्रेन जो है भाई बड़ी ही खूबसूरत है। ये नई ट्रेन है यहाँ की और बहुत ही प्यारी सबवे है। ये दिखाते हैं आपको, ये चेक करो, ये अभी डोर ओपन होंगे। अभी न्यूयॉर्क होता ये, कोई मुझे पीछे से धक्का देता बस मैं गया था। यहाँ पे ये नहीं है। ये चेक करें, ये डिसेबल लोगों के लिए जगह बनाई गई है, जो लोग डिसेबल हों उनके लिए है। और इस लड़के को जानते हो, ये बैठा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहे। कितने क्लीन है, ना आप यहाँ पे भाई पानी पी सकते हो, ना आप यहाँ पे ड्रिंकिंग कर सकते हो, ना सिगरेट अलाउ है, कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा क्लीन इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिलती है सबवे में। और चाइना का सबवे सिस्टम का जो सबसे बेस्ट थिंग है ना, जो मुझे पसंद है, वो ये है भाई कि यहाँ पे आपको मेट्रो सिस्टम के अंदर जो सबवे इनका अंडरग्राउंड है, यहाँ पे आपको बैगर्स, होमलेस पीपल, जो ड्रग्स माफिया है, ये लोग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते। ना आपको यहाँ पे गरीब लोग दिखाई देंगे, ना यहाँ पे आपको शराबी पोटरी दिखाई देंगे जो मेट्रो सबवे सिस्टम में सोए पड़े हों। ऐसा कुछ भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो लोग आप में से यूरोप, यूएसए या लंदन ट्रैवल कर चुके हैं इंग्लैंड का, उन्हें पता होगा कि जब आप न्यूयॉर्क में सबवे में सफ़र करते हैं तो वहाँ अंडरग्राउंड आपको सबवे में बहुत सारे होमलेस पीपल, ड्रग्स लेते हैं वो आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे। सेम लंदन में इस तरह है और यूरोप में, चाइना में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता भाई। यहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंट, कोई बैगर्स, कोई होमलेस पीपल, कोई ड्रग्स माफिया देखने को नहीं मिलता। सब कुछ क्लीन, साफ और क्लियर। ये मैं बी एग्ज़िट पे जा रहा हूँ। यहाँ आपको ए से लेकर जेड तक आपको एग्ज़िट देखने को मिलेंगे अंडरग्राउंड। आप कंफ्यूज होगे कि मैं किस तरफ जाऊँ किस तरफ ना जाऊँ। तो इधर का जो सबवे सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनके अपने लोग भी गलत हो जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि बहुत ही बड़े इनके सबवे सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बड़े। मैंने भाई एग्ज़िट करना है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये QR कोड है, ये मैंने दिखाना है यहाँ। और एग्ज़िट ये देखें, सिर्फ एक मोबाइल और सब कुछ आपका एक मोबाइल से हो रहा है। ये देखें पैसे कट गए भाई। ये मैं जा रहा हूँ अपने एग्ज़िट की तरफ। ये सहूलियात दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे भाई, चाइना चाइना है। ये भाई बिल्कुल सामने मस्जिद है, अभी मस्जिद की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबवे भी कुछ ना कुछ दिखा दूँ। वैसे भी सबवे पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ों को हम कवर कर लें उतना बेहतर होगा। तो मस्जिद देखते हैं कि ओपन है कि नहीं आज। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तो ओपन है। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है मस्जिद का।
और ये पूरे शहर में ये एक ही मस्जिद है। 2 करोड़ आबादी का शहर है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के नाम से ये मशहूर है ये शहर। 90% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसी सिटी से जाता है, शेंजन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मस्जिद यहाँ पे जस्ट एक ही है और नहीं है। और दिखाते हैं आपको अंदर का माहौल। आवाम आज थोड़ी कम है क्योंकि यहाँ पे एक और वायरस फैल चुका है, इस वजह से। अल्लाह की करम से ये मस्जिद हम पहुँच आए हैं और ये चेक करें मस्जिद का व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बहुत ही क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह से। नमाज आज मस्जिद में ही होगी, ये चेक करें बहुत ही खूबसूरत है ये शेंजन मास्क्यू, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसके अंदर मैनर लगाए हुए हैं इन्होंने, देखते हैं अंदर क्या हालात हैं। अब वैसे यहाँ पे कावा मावा सब कुछ फ्री मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी दोबारा से वायरस शुरू हुआ है तो उसकी वजह से लोग डरे हुए। ये इस मस्जिद का डिज़ाइन है, ये इसका डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये चेक करें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसका बस एक डिज़ाइन बना के रखा हुआ है इन्होंने, बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। ये LEDs लगी हुई हैं भाई, लाजवाब। ये मस्जिद का भाई व्यू है, मैं जा रहा हूँ टॉप पे, लेडीज़ की अलग जगह है यहाँ पे नमाज के लिए, और मैं जा रहा हूँ टॉप पे, मैं हमेशा टॉप पे ही जाता हूँ 4th फ्लोर पे। ये देखें 4th फ्लोर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये देखें बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अभी कोई भी नहीं आया, मुझे लगता है मैं सबसे पहले आया हूँ, लेकिन लाजवाब मस्जिद है ये, क्या ही इसका डिज़ाइन है भाई। ये देखें बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये चेक करें। कारी साहब चाइनीज़ में लगा हुआ है माशाल्लाह से, देखें कुरान पढ़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत कुरान है माशाल्लाह चाइनीज़ में, देखें चाइनीज़ में। ये नमाज के बाद भाई ये कैलेंडर दिए जा रहे हैं शीशे, ये हमें कैलेंडर मिले हैं नए साल के, वाओ प्योरली ऑन भाई। देखें जुमा नमाज के बाद ये बुफे मुफे सिस्टम, हाँ ये शौबीर भी आ चुके हैं, शौबीर ये शौबीर भी आ चुके हैं हमारे साथ, आज इसने हमें खाना खिलाना है। टुडे यू पे आई पे मिस्टर मा, टुडे मिस्टर मा टुडे पे। ये देखें भाई हलाल फूड, ये नान पड़े नान, सब कुछ मिलेगा। लुक हियर मिस्टर मा, टुडे मिस्टर मा विल पे ट्रीट, ही गिव मी ट्रीट, फ्री ट्रीट, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रीट। यू इज माय बेस्ट फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये भाई हम तो खाएंगे फ्राइड राइस और बारबेक्यू, फिलहाल तो फ्राइड राइस खा लें, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल फ्राइड राइस आए हैं और बारबेक्यू आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा हैवी नहीं खा सकते। थैंक यू सो मच, डिलीशियस तो दिया, वेरी टेस्टी। ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी भाई, ये डेली मैं 3-4-5 खाता हूँ। या चुंगो, चुंगो दस समा मिल जाए, खबाउज़ा खबाउज, ये इसको खबाउज कहते हैं, खबाउज। इसमें कुछ वेजिटेबल होते हैं और चिकन मिकन डाला होता है, बीफ, ये फेवरेट है मेरा। ये देखो भाई यहाँ पे ये हलाल गोश्त मिलता है,
मैंने भी लेना था लेकिन आज नहीं लूँगा क्योंकि अभी मैंने जाना है एक ऑफिस गवर्नमेंट, तो फ़िलहाल गोश्त मोश नहीं ले सकते, कल लेने आएंगे। ये और ये शबीर आ रहा है। शबीर कोई दिन खोले शबीर, वह शबीर शबीर। Don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know. ये अभी गवर्नमेंट ऑफिस से हम थक के आ रहे, निकले आ रहे हैं और मंडे को हमें टाइम दिया गया, मंडे को जाएंगे भाई वीजे के लिए। मिस्टर मां ने आज हमारे साथ बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा, लेकिन आज हमें भेजा है वापस के आप मंडे के आओ। ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, ये बिल्कुल जो सामने देख रहे हो ये गवर्नमेंट का, ये सारा ऑफिस है इमिग्रेशन का और बहुत ही खूबसूरत ऑफिस था, अंदर वीडियो अलाउ नहीं थी। ये मिस्टर मां है, मिस्टर मां थैंक यू ब्रदर फॉर एवरीथिंग। अभी हम जा रहे हैं भाई घर, मिस्टर मां जाएगा मार्केट और मैं जाऊँगा घर। टैक्सी का इंतज़ार है, मेट्रो भी है, बट हम मेट्रो में नहीं जाएंगे, हम थके हुए हैं, हमने जाना है भाई टैक्सी। फाइनली हम घर पहुंच जाए हैं भाई, तो जहाँ से वीडियो शुरू की थी सोचा है वहीं पे ख़त्म भी कर लें। आज बहुत ज़्यादा घूमे हैं मैं और मेरा दोस्त चाइनीज़, वीज़ा एक्सटेंशन भी नहीं मिली, तो देखते हैं अब मंडे का टाइम दिया, मंडे को वीज़ा एक्सटेंशन अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर ना मिला भाई तो फिर थर्सडे को मिलेंगे पाकिस्तान में। ये देखें भाई हांग का नज़ारा, ये मेरे घर से हांगकांग का नज़ारा है, ये देखें ये खूबसूरत नज़ारे। चलते हैं रूम की तरफ भाई, बहुत हो चुका है, थोड़ा रेस्ट एंड पीस भी कर लें। तो फाइनली आ चुके हैं घर, होम स्वीट होम। खोलते हैं भाई, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था और आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह बनाते हैं फिर। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, लेकिन अभी मेरा टाइम हो चुका है सोने का। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप।